नमस्ते सलाम एंड वेलकम वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग ये होने वाला है, मैं मुंबई से कुवैत के लिए ट्रैवल करने वाला हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ज्यादा ब्लॉग। देखते जाने के बाद बनाने का छोड़ अभी वहाँ पे देखेंगे, पता लगा नहीं हुआ तो वापस आ चलो। जाके रहा छोटा बप्पा, जाके जान में जाना ही रहा था, मुझे से परेशान था, पसीना कितना हो रहा है, बैठे बैठे छोटा बाबू अभी अन्नू को छोड़ के यहाँ से जाऊंगा, अन्नू को बाय बाय बोलूंगा, बाय पापा, बोले पापा बाय, कल मिलते हैं, बाय। चलो ठीक देखो, तू किधर जा रही है? पिप्पी गाड़ी करो, पिप्पी गाड़ी, पिप्पी। तू किधर जा रही है? कहाँ पे जा रही है? तू किधर जा रही है? अच्छा बुआ किधर है? बुआ बुआ किधर है? बुआ किधर है? बुआ किधर है? बाबू किधर है? गोपे बोलता है बाय, अभी पापा तेरे को बोलेगा बाय, पापा बाय, पापा 2 साल के बाद मिलेंगे। दो मिनट में एयरपोर्ट में पहुंच जाऊंगा, आगे वहां पे मिलेंगे अभी आपको। मस्ती कर रही है अन्नू, बहुत मस्ती कर रही है। बाय बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। सलामत मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूँ, अन्नू बहुत जिद कर रही है बाहर जाने के लिए, और आई लव यू। अभी अंदर जाऊंगा, मेरे हाथ में वो मिल जाएगा बोर्डिंग पास, तो समझ ले बहुत सुकून है, नहीं तो फिर बाद में अभी इश्यू हो जाएगा। अनन्या लेके धीरे धीरे जा रहा हूँ,
और पीछे भाई से, और चंदन भी साथ में आ जाया है। एयरपोर्ट का नजारा देख लो, सेवन आ गया उधर पे। चलो देखते हैं क्या बोलता है, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। बहुत बड़ी बात है। फोन करूंगा, आप मैसेज करूंगा तुमको सब लोग को। हाँ मम्मा रोल नहीं कर रही। हाँ हो तो फोन मड़ी अभी यहाँ पे होएगा मेरा चेकिंग और वहाँ पे बैठे। जाना है इमिग्रेशन क्लियर करना है। अपना इमिग्रेशन जब क्लियर हो जाएगा तो मज़ा आएगा। और मम्मी और चंदन वाइफ एंड अनु वो लोग चले गए घर पे। मैं रोहित के साथ में हूँ। हाय, अभी हम दोनों जा रहे हैं अपना इमिग्रेशन करने के लिए। इमिग्रेशन करके इमिग्रेशन क्लियर करना है फिर इसके बाद से निकलना है। ड्यूटी फ्री एरिया जहाँ पे मुंबई का ड्यूटी फ्री 5,900 2,700। क्लियर हो गया। अभी मैं हूँ ड्यूटी फ्री एरिया में और जा रहा हूँ अंदर जहाँ से हमारी फ्लाइट जाने वाली है। मगर फ्लाइट को अभी बहुत सारा टाइम है, कम से कम 2 घंटे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्या सीन है, क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं है, एंड फिर निकलेंगे। जा रहे हैं अब हम अपने गेट पे, गेट नंबर इज 69A सीधा। अब बात कर रहे भाई, रुक तू भी व्लॉग में आएगा, तू भी व्लॉग में आएगा, रुक जा। एयरपोर्ट अभी थोड़े टाइम के बाद में मैं अंदर जाने वाला हूँ। तो ये कुछ सिनारियो है। अब वेटिंग एरिया में मेरे पीछे जो मेरे साथ में जाने वाले कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये अपने घर पे बात कर रहे हैं। तो उसके बाद में चलो मिलते हैं मिस्टर सलीम से जो लास्ट ब्लॉग में थे हमारे साथ में, तो उनको इंट्रोड्यूस। सलीम लास्ट ब्लॉग में देखा होगा तो फाइनली मिल चुके हैं हमसे। हालत मेरी ऐसे ऐसे हो रही थी लास्ट मोमेंट पे। तो जिब्रान सर ने कुछ किया तो उनकी बदौलत, थैंक यू जिब्रान सर, अगर आप देखते रहेंगे ना ये ब्लॉग को
तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कुर्बानी दी और मतलब हेल्प किया राइट मोमेंट पे राइट टाइम पे एंड मैं आ गया। थैंक यू यार, मुझे लगा कि दिस इज माई गोइंग टू वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी एंड एवरीथिंग, सो मेहरबानी, थैंक यू सो मच वंस अगेन सर। हाँ बता क्या करते, दिक्कत हुआ कुछ, प्रॉब्लम हुआ? प्रॉब्लम सर थोड़ा इमेज हमारी फ्लाइट तो आ चुकी है, पीछे फ्लाइट है एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था कि मैं ब्लॉग बहुत अच्छे से तरह से बनाऊंगा, मगर समहाउ थोड़ा बीच में टेंशन आ गया था तो ब्लॉग पूरा मेरा गड़बड़ हो गया। जिस तरह से सोचा था एंडिंग करूंगा और स्टार्टिंग करूंगा मगर पूरा ख़राब हो गया है। कोई नहीं, अब तो देखते, अब जितना भी हो सके उतना तो शेयर करूंगा ही आप लोग के साथ में, और कोई बात नहीं। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं फिर आगे ब्लॉग में, तब तक मज़ा लीजिए। पीछे आ चुकी है और वहाँ पे अभी हमारा सबका जो लगेज और जो बैगेज है ना वो बैगेज रखा जा रहा है, तो देसी बैगेज रख के हो जाएगा। अभी बज रहे हैं 8:10 हो रहे हैं, तो बैगेज रखते रखते बहुत सारा टाइम लगता है, तो हो जाएगा फिर आपको निकले। बहुत सारा वीडियो बनाऊंगा मगर हालत ख़राब रखी थी और पूरा मिस हो गया, मैश हो गया साला। कोई ज़रूरत नहीं, कोई बात नहीं, बाद में बना देंगे बहुत सारा वीडियो, वहाँ पे जाने के बाद में बताएंगे क्या क्या हुआ मेरे साथ में, तो बहुत सारा चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करना। क्या बोलते हैं अपनी मुंबई की पब्लिक, कैसे हो? ऑल गुड, मचा रहे ले। मिलते हैं फिर पूरे ब्लॉग में, पूरे ब्लॉग में मचाएंगे आप उन कुवैत में और आप लोग को सब बताएंगे कि क्या भी अपनी फ्लाइट का क्या टाइमिंग है और कौन कौन से अपने पीछे यहाँ पे रोस्टर है आप उन तो दिख गया दूसरे नंबर पे आप नहीं लग रहे ना, देखो कुवैत कुवैत सिटी, ये कुवैत कुवैत जाएंगे आप बचाएंगे। मेरी पब्लिक वहाँ पे बैठी है 60 नंबर गेट के पास में, एंट्री चालू हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं। We are ready to go inside. तो अभी जाते हैं। मैंने इसके अंदर से अपने लिए एक चकली का पैकेट लिया है, मेरे पास 20 रुपये छुट्टे पड़े थे तो मैंने ले लिया, क्योंकि अभी वो 20 रुपये काम के आने वाले नहीं है। तो भाई घर पे बता रहे मैं कौन से ट्रेन पे जा रहा हूँ और मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, तो ऐसा लाइन पूरा घूम एकदम, हम लोग अंदर जाने वाले और मज़ा आने वाला है। बहुत टाइम के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट, हाँ मैं बोलूँगा। थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा सा एक्साइटेड, हम वहाँ पे जाके अभी फन करेंगे बहुत सारा, तो चलो जाते हैं अभी ट्रेन में।
फाइनली कुवैत में पहुंच चुका हूं, अब वापस से लगेज बैग की तरफ जा रहा हूं और अपना लगेज बैग कलेक्ट करूंगा, फिर यहां से हम लोग जाएंगे अपने अकोमोडेशन में। भाई बहुत सारा प्रोसेस बाकी है, सारा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। ओ मैडम जी तो बैठी है ना फैन के जो फ़ोन पे बात कर रही हूँ वाली, तो अपने को अभी लेके आ रही है बाहर और अपना पासपोर्ट अपने हाथ में है, तो हम इनके पीछे पीछे जा रहे हैं हम पांच लोग। अब मिलेंगे दीदा आपको, टेंशन नहीं है, PCR कराना पड़ेगा तब जाके अपने को एंट्री होगी। तो अभी अपन जा रहे हैं यहाँ पे PCR टेस्ट कराने के लिए वापस से कोविड का, और देखते क्या भाई लोग का PCR चालू है, अगर उनका PCR हो जाएगा फिर आपने और सलीम भाई का। तो भाई का RT-PCR टेस्ट यहाँ पे कुवैत के एयरपोर्ट पे हो गया, मेरा और रोनल का अभी मतलब नहीं करने की ज़रूरत है, हमारे इम्यून ऐप ग्रीन है तो हम लोग को डायरेक्टली आउट वी कैन गो डायरेक्टली, एंड भाई लोग को मानती पीछे जा रहे हैं। बाहर आ गया हूँ एंड मेरे दोस्त भी बाहर चले गए हैं और मैं अकेला वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओ माय गॉड, मेरा लगेज है और बाकी जो पब्लिक है, तो अब मिलते हैं आगे बर्गर किंग के। तो फाइनली मुझे मेरा सिम कार्ड मिल गया है और मैं जा रहा हूँ इसको एक्टिवेट करने के लिए, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई न्यू नंबर एज यू कैन सी गाइस। और तो फाइनली ये मेरा सिम कार्ड है, मिल गया है, भाई साहब अंदर अपने रख रहे हैं, अभी हमें बर्गर किंग से अपना बर्गर उठाएंगे। भाई पहले ही दिन चालू हो गए 20, अपन चिकन खाने वाले और यहाँ से बर्गर इनसे अपन सामान उठाएंगे, खाएंगे एंजॉय करेंगे मिल। तो अभी हम लोग बैठ गए हैं बस में, अब जा रहे हैं घर की तरफ, और हमें रेस्टोरेंट से फूड दिया हुआ था बर्गर किंग से खा बर्गर, तो हमने बर्गर वगैरह तो खा लिया है, अब जाएंगे घर पे रेस्ट करेंगे एंड मम्मा ने जो दिया वो फिनिश करूँगा मैं, एंड बहुत सारा देखते हैं क्या सिनेरियो है, क्या न्यू थिंग है वहाँ पे, और अपना होम टूर भी करवाऊँगा। एकदम फैसिलिटी हो गई है सबको, सबका मैट्रेस वगैरह सब मिल गया है, अभी पूरा रूम टूर कराऊंगा मगर थोड़ी देर के बाद में। पहले ये जो अपना ब्लॉग मुंबई से यहाँ तक का सफर था ना, वो पूरा आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम पांच जने पूरा अकेली बिल्डिंग में, एंड बाकी के लोग कब आएंगे कब नहीं पता, इसको कवर किया हुआ है, ये बाद में हम लोग खोलेंगे आफ्टर क्या जब सारे पब्लिक आ जाएगी। अभी हमारा किचन होगा, सब दिखाऊंगा कितना बड़ा है, मम्मा बहुत मजा आ रहा है, मगर ये है कि थोड़ा सा दूर हो तुमसे। और बाकी देखो भाई साहब अपने गद्दे को सेटिंग वीटिंग लगा रहे हैं, और हमें एकदम नया नया मिला ब्रांडेड। हाय मम्मा, मम्मा को मेरी हाय बोलो। सर आज बहुत सारा, अभी तो मैं तो खाली रूम में ऐसा लग रहा है क्रिकेट खेल लूंगा, यहाँ पे दो बंदों का सब कुछ सेटअप हो चुका है। अभी पब्लिक बचाएंगे, घर पे पहुंच चुका हूँ, अब यहाँ पे अपने ब्लॉग को खत्म करूंगा। मेरी आवाज बहुत ज्यादा इको होती होगी क्योंकि यहाँ पे पूरा खुला है और कुछ भी नहीं है, तो ये भी वीडियो को अपनी समाप्त करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अगला ब्लॉग आने वाला है होम टूर और भी क्या क्या होने वाला है सब दिखाता हूँ आपको, क्योंकि 9 दिन के लिए मैं यहाँ पर हूँ क्वारंटाइन में।